वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि कितने लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर बंगाल का रीजनल ऑफिस कहाँ है, दिल्ली का रीजनल ऑफिस कहाँ है, उत्तर प्रदेश का रीजनल ऑफिस कहाँ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर स्टेट का, इंडिया में जितना भी स्टेट है, जहाँ जहाँ आधार हेड ऑफिस है, आधार जनसेवा केंद्र है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ आधार सेंटर और UDI ऑफिस है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है गाइस, और जितने लोगों का रिप्लाई नहीं मिला है दो दिन में दे दूंगा, क्योंकि एक दो दिन बहुत बिजी था। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनका जो रीजनल ऑफिस है आधार कार्ड का, वो कहाँ कहाँ है और किस स्टेट का रीजनल ऑफिस और आधार जनसेवा केंद्र कहाँ है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो जानना है कि आपका दिल्ली, राजस्थान, रांची, उत्तराखंड, कर्नाटक, चंडीगढ़, पंजाब, कहीं से भी हो, आपका सब आधार जनसेवा जो केंद्र है, इनरोलमेंट सेंटर, उसका मैं एड्रेस बताऊंगा, वो भी लाइव प्रूफ। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने इंडिया का जितना भी इनरोलमेंट सेंटर है उसका जो आधार जनसेवा केंद्र है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, हर स्टेट का बताऊँगा, और वीडियो पूरा देखना नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये हम UDI के साइट से मैं आपको बताऊँगा जो ऑल स्टेट का आधार जनसेवा केंद्र है, इसमें आपको लिस्ट में दिखाऊँगा किसका कहाँ है, कौन सा एड्रेस है। ठीक है, तो चलो ये देखो लिस्ट ऑफ आधार जनसेवा केंद्र। ठीक है, ये देखो आगरा का है, उत्तर प्रदेश में, जो अब कॉम्परेट पार्क संजय पैलेस आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अहमदाबाद का गुजरात है, ये जो आप साइड में एड्रेस देख सकते हो, अगर आपका रीजनल ऑफिस है तो आप ये जो भी एड्रेस उतार सकते हो और वहाँ जाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके ही जाना, किसी भी आधार जनसेवा जाना। तो ठीक है, बेंगलुरु का, ये देखो बेंगलुरु का है, कर्नाटक में, भागलपुर का है बिहार में, ये एड्रेस साइड में लिखा हुआ है, मैं एड्रेस आप लोगों को अभी बताऊंगा। भोपाल में, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ में ये है। चेन्नई का जो आधार जनसेवा केंद्र है वो तमिलनाडु में है, दमन का है, दमन दीव में, देहरादून का उत्तराखंड में है, देहरादून का दो जगह है देख सकते हो आप, कैलाश टावर है और ग्राउंड फ्लोर नीरज नगरपुर। ठीक है, दिल्ली का तीन जगह है, देखो दिल्ली का है लोअर ग्राउंड फ्लोर अक्षरधाम। ठीक है, दिल्ली का दूसरा है इंद्रलोक पुरी और तीसरा है मोहन कॉरपोर्ट इंस्टेट मेट्रो स्टेशन के सामने है। ये झारखंड आपका धनबाद झारखंड में है आधार जनसेवा केंद्र, गुवाहाटी का आसाम में है, हिसार का हरियाणा में है। ठीक है, इंदौर का मध्य प्रदेश में है, जोधपुर का राजस्थान में है, राजस्थान में, कोची का केरला है। ठीक है, लखनऊ का उत्तर प्रदेश है, दो देखो इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर, रतन स्क्वायर है, आप सबसे लखनऊ वाले ये देख ले, रतन स्क्वायर। मालदा का वेस्ट बंगाल है, मेरठ का उत्तर प्रदेश। ठीक है, और नीचे आएंगे ये देखो मैसूरू का कर्नाटका का है, जो काम सक्षी हॉस्पिटल रोड, इस रोड पे है। ठीक है, नागपुर का महाराष्ट्र में है, अगर जो नागपुर के हैं या महाराष्ट्र के हैं तो अपने महाराष्ट्र में भी है, देखो ये जो पासपोर्ट ऑफिस प्लाजा है सादिकाबाद मनकपुरी नागपुर में है। ये देखो नदिया वेस्ट बंगाल में है, नदिया का, पटना का बिहार में है। ठीक है, बिहार में है, आपको न्यू डार्क बेंगलोर में है, न्यू हॉस्टल उत्सव ऐसे कुछ है। रायपुर का चंडीगढ़ में है, रांची का झारखंड में है, फिर रांची में दो जगह है, रांची का झारखंड में भी दो, एक गैलेक्सी का मॉल में है, और ये देखो शिवलिंग का मेघालय में है। ठीक है, शिमला का हिमाचल प्रदेश, सलीचर का आसाम में, सिलीगुड़ी का वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल वालों का ज़्यादा दिक्कत है, ये देख लो अपना, कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रीजनल ऑफिस है, आधार जनसेवा केंद्र है UDI का। ठीक है, जो हर स्टेट में खोला गया है,
जो बड़ा स्टेट है उसमें दो है, तीन है, ठीक है। तो आपको जहाँ जाना है वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा लेना और चले जाना। और नीचे देखो वन, ये तेलंगा का है, ये देखो इसका फीस जो है। आप जाओगे कुछ भी आपको अपडेट कराना है, नेम, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, तो इसका सब फीस लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। 5 साल से 15 साल का बायोमेट्रिक कराना फ्री है, ठीक है।